आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, यदि हम किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी या किसी भी फ्लूइड का वेट को उसके स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से या स्टैंडर्ड फ्लूइड के वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो रेशियो होता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताती है कि यदि आप किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड और किसी भी फ्लूइड के वेट को, यदि आप जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड और वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देते हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो आता है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, तो आपका वो क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब कि यदि आपने किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी को किसी फ्लूइड के वेट को या किसी फ्लूइड की जो स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी उससे डिवाइड किया या उसके वेट से डिवाइड किया, तो आपके पास जो रेशियो बनता है उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मरकरी की केस में अगर हम बात करें तो उसकी होती है 13.6। मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी 13.6 होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि जो मरकरी है वो आपकी वाटर से 30.6 टाइम ज्यादा हैवी और डेंस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है लिक्विड के केस में यदि हम कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं तो वो आपका क्या होता है? वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होता है? वाटर। और यदि हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के केस में एयर होता है आपका क्या? स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 का मीनिंग यह है कि आपकी जो मरकरी है वो वाटर से 13.6 टाइम्स क्या है? ज्यादा आपकी क्या है? हैवी है। ज्यादा आपकी क्या है? डेंस है और हैवी है। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस की। ठीक है, अब यदि किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यदि किसी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, ठीक है, यदि किसी फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यदि आपकी 1 से कम है तो क्या होगा? वह फ्लूइड क्या करेगा? वह फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड में फ्लोट करने लगेगा, मतलब तैरने लगेगा, करने लगेगा। और वहीं पर यदि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से ज्यादा है तो क्या होगा? वह फ्लूइड स्टैंडर्ड फ्लूइड में क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा उसमें। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ये सब चीजें सीख ली कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते कैसे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेशियो क्या होता है। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी फ्लूइड की 1 से कम है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर है, तो वाटर के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 होती है। ठीक है, वाटर के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1। तो यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है तो फ्लूइड क्या करेगा? स्टैंडर्ड फ्लूइड में फ्लोट करेगा। और यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा आ गई तो उसमें क्या कर जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी वाटर में क्या हो जाएगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी उसमें। ठीक है, अब जो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी इसी में प्रॉपर्टीज की बात करें वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कॉफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जिसको हम बीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो वर्क मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के किस किस का रेशियो होता है और कोफिशिएंट ऑफ वर्क कंप्रेसिबिलिटी किस किस का रेशियो होगा फ्लूड मैकेनिक्स के केस में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, यदि आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अंदर मान लीजिए आप लोग, इस पर आप चेंज इन प्रेशर आपका डीपी है, प्रेशर इसका जो मास है वो आपका क्या है कांस्टेंट है, इसका प्रेशर वॉल्यूम T1 V1 मान लीजिए स्टार्टिंग, ठीक है, और इसके जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो डी है, ठीक है, मास क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, यदि हम जैसे जैसे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहां पर जैसे जैसे प्रेशर की इंक्रीज करेंगे क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का उसके वॉल्यूम का मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो कम होने लगेगा, वॉल्यूम में क्या होने लगेगा चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर, इंक्रीमेंट इन प्रेशर डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम, ठीक है, ये इस कंडीशन में होगी या वाइस वर्सा, या फिर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। मतलब कि क्या है, जो प्रेशर में चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है चेंज इन वॉल्यूम डीवी अपॉन वी। यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहां पर नेगेटिव साइन आपको यह बता रहा है कि वॉल्यूम में आपका क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये जो डीवी अपॉन वी है इसको एक टर्म देते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके क्या जाएगा, स्ट्रेन के बराबर हो जाता है। मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम डी वी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी, तो इन दोनों की जो रेशियो है उसको बोलेंगे हम स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपकी टर्म आ गई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो हमारे पास आया था डीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीवी ओवर, यानी आपका जो प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा था वो आपके वॉल्यूम में चेंज के बराबर है, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने एक के के से मल्टीप्लाई किया, यहां बचा आपका माइनस का डीवी ओवर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या है आपका, के क्या है यहां पर, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो के किस किस का रेशियो हो जाएगा आपका, के हो जाएगा डीपी ओवर माइनस डीवी ओवर, ये क्या आ गया आपका, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो वर्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया आपके पास, कितना प्रेशर में चेंज हुआ है और कितना आपके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है कितना, या फिर आप ये कह सकते हैं कितना आपके पास स्ट्रेन है और कितना आपके पास प्रेशर में चेंज हुआ, तो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो मास होता है वो आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। हमें पता है कि जो मास है आपका वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डीएम इज इक्वल टू रो डी वी प्लस वी डी रो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर वन थी, सॉरी ये टू थी और ये थ्री, ठीक है।
अब हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मास है आपका क्या है, वो आपका कॉन्स्टेंट है, मास में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब जीरो इज इक्वल टू रो डी वी इज इक्वल टू वी डी रो। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आपका रो डी वी इसके बराबर है माइनस का वी डी रो। तो माइनस का डी वी अपॉन वी किसके बराबर आ गया, डी रो अपॉन रो। ठीक है, आपके पास ये सब चीजें यहां पर अवेलेबल हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका जो के है किसके बराबर था, डी पी ओवर माइनस का डी वी ओवर यू। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से इसमें इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो के किसके बराबर आ जाएगा, डी पी ओवर डी ओ अपॉन रो। तो यहां से हम देख सकते हैं जो बल्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है वो डेंसिटी के फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, तो मतलब कि यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी में भी इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहां से देख लिया वर्क मॉड्यूलस किसके बराबर आ चुका है। ठीक, जो क्वे के है आपका उसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो वर्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है, 20 इंटू 10 से पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो वर्क मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है वाटर की वो 20 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं मैं फ्लूइड की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि इसके रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकता है। ठीक है, आज के लिए काफी, थैंक यू।